गतिविधि में जैसा हम जानते हैं कि मुझे अवधारणा के पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ ना कुछ उससे प्रश्न पूछने या कोई गतिविधि करवानी है। इसके दो मुख्य कारण है। एक जो हमने पेडागोजी पढ़ी उसमें एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज के बेसिस पे मुझे पूर्व ज्ञान की जागृत करना है। तो हमारी अगर अवधारणा क्रिया विशेषण है तो पहले तो ये कि क्रिया विशेषण क्यों है, तो वह चिड़िया जो पाठ के अगर भाषा की बात में आप देखेंगे तो कौन सा ग्रामर का बिंदु दिया हुआ है, क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण का भी कौन सा भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो मुझे क्रिया विशेषण की टेस्टिंग करनी है, उसका पूर्व ज्ञान चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, क्रिया टेस्ट करूंगा, विशेषण जांचूंगा और संज्ञा सर्वनाम अगर मैं जांचना चाहूं तो जांच सकता हूं। तो सबसे पहले एक तालिका है, उस तालिका में कुछ शब्द बने हुए, शब्द लिखे हुए, इन शब्दों को मैं कक्षा में पूछूंगा। एक छोटी सी छोटा सा जो इनिशिएट आप ले रहे हैं एज ए टीचर, सिर्फ इतना कि संज्ञा पे आपको ताली बजानी है, क्रिया पे आपको चुटकी बजानी है और विशेषण आने पे आपको हाथ उठाना है। तो मैं शब्द बोल रहा हूं, आपको उसी तरीके से एक्ट करना है। सुंदर, मनुष्य, दौड़ना, पक्षी, पढ़ना, पढ़ना, गुजरात, कंफ्यूज नहीं तो करना है, दीजिए कंफ्यूज बच्चों को, बच्चे तो सर वहां भ्रमित हो जाएंगे, हो जाएगा। अब बच्चों को बोलने दीजिए, बच्चों को बोलने दीजिए कि सर ज्यादा जल्दी हो रहा है, तो ऐसे टीचर आप धीरे बोलिए। फिर जब एक बार के इंस्ट्रक्शन पे आपको लग रहा है क्लास में जितना रिस्पॉन्स आना चाहिए नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी एक्टिविटी को अपने हिसाब से मोल्ड कर लीजिए। मेरी क्लास में यहाँ पे इस टाइम 48 टीचर्स हैं, लेकिन तालियां मुश्किल से 4-8 की ही। आप दोबारा गुजरात, सुंदर, ठीक है। इस आधार पे गतिविधि शुरू कर सकते हैं और मैं ये टेस्ट कर सकता हूं कि मेरी क्लास में बच्चों को इस पर्टिकुलर अवधारणा का जो पूर्व ज्ञान है वो है या नहीं। इसी में आगे लिखा हुआ है कि सभी को विशेषण शब्द की परिभाषा बताएं और यदि आवश्यक हो तो विद्यार्थियों को संज्ञा और क्रिया की परिभाषा भी बताएं, क्योंकि कई बार ये कहते हैं कि ग्रेड 6 में बच्चा आ गया लेकिन उसको संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण इनकी परिभाषा